हेलो, गुड इवनिंग। आज मैंने बायो का पेपर आपको अभी डाला था। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने डेट अपनी डिक्लेयर कर दी है, और जैसा कि आपको मालूम है 26 शायद एक डेट है, और एक 28 या 29 तारीख डेट है, और एक डेट शायद 22 की है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको याद होगा, मैंने वीडियो डाला था, मैंने आपको कहा था कि 26 जून को हो सकता है, तो 26 जून तो क्योंकि इलेक्शन है उस दिन तो नहीं होगा। दो चीजें यहाँ पे पॉसिबल हैं, जो आईसीएससी जिस चीज की वेट कर रहा था वही मैं अभी आपको बताना चाह रहा हूं, और ये चीज बहुत ज्यादा पॉसिबल है। हालांकि ये इस बारे में कंफर्म नहीं कह सकता, ये कंफर्म जरूर मैं कहता हूं, 3 मई से तो एग्जाम हर हालत में आपका होगा ही होगा। और आप लोगों ने देख लिया होगा कि मैंने आपको पहले भी बोला था, सीबीएसई एक गवर्नमेंट बॉडी है। आप मेरे वीडियो अगर देखते आ रहे हैं तो मैंने आपको बताया था सीबीएसई गवर्नमेंट बॉडी है, उनको पूरा आइडिया लग जाता है इलेक्शन कमीशन का। और देख लीजिए, उन्होंने 4 से इलेक्शन रखे, 2 को रिजल्ट तक आ जा रहा है, 4 से बिल्कुल सब चूज खत्म, तो उन्होंने 4 से रखा। तो इसलिए जो मेरी बात थी वो समझ में आ गई होगी, सीबीएसई को पूरा मालूम था इलेक्शन कमीशन का पूरा जो प्रोग्राम था। लेकिन आईसीएससी वाले बेचारे थोड़े से अनाथ टाइप के इस विषय में, वो प्राइवेट बोर्ड है, उनको नहीं पता था, इसीलिए वो वेट कर रहे थे कि एक बार इलेक्शन की डेट आ जाए तो उसके बाद, ताकि बाद में कोई लफड़ा ना पड़े। तो इसलिए अभी जो बात है, अभी बिल्कुल खुला गेम हो गया है। तो जो मेरे को लग रहा है 3 मई से तो पक्का एग्जाम शुरू होना ही होना है, जून का तो बिल्कुल 1% भी चांस नहीं है, मैं आपको बिल्कुल कंफर्म बता दे रहा हूं। दूसरी बात जो है, जो मेरा जो आइडिया जो मैंने आपको पहले बताया था कि हो सकता है डेट आने के बाद में वो ये देखेंगे क्या बीच में एक एक एग्जाम हो सकता है, जब बीच में गैप जो दिया हुआ है इलेक्शन के, क्या उस टाइम के अंदर एक एक पेपर हो सकता है, 2 या 3, 20 तारीख से शुरू कर ले, जैसे 22 को है तो 22 को इलेक्शन हो गया, 23 को एग्जाम आप रख दें, 26 को इलेक्शन हो गया, 27 को एग्जाम आप रख दें, तो इस तरह से करके क्या 2 या 3 पेपर वहां पे हम लोग कर सकते हैं। यही बात मैं आपको पहले कह रहा था, और क्योंकि अब डेट आ गई तो बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि उस तारीख तक आपका एग्जाम शुरू हो जाए, 20 तारीख के बाद कभी भी, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैं अभी भी कंफर्म नहीं हूं, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, मेरा जो आइडिया है, और क्योंकि मैं 25 साल से स्कूल के अंदर ही काम कर रहा हूं, हर साल में लगातार ये देखता रहता हूं, 25 साल में कम से कम 10 इलेक्शन 15 इलेक्शन मैंने देखे हैं, तो ये जो रूटीन है आईसीएससी बोर्ड का वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। तो 3 मई से तो बिल्कुल हर हालत के अंदर आपके एग्जाम शुरू, उसके अंदर कोई भी इफ एंड बट नहीं है, जो जून वगैरह वो है थ्योरी प्रैक्टिकल ये वो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो प्रैक्टिकल वाला सिस्टम ही अलग है अब की बार, तो उसको अगर थोड़ा सा भी जानने वाला है तो वो समझ लेगा कि प्रैक्टिकल क्योंकि हर स्कूल के हिसाब से होना है। और दूसरा, अगर आप पिछली साल की डेट शीट आप देख लेंगे, 12th की बात जब मैं कर रहा हूं, तो आप तो 10th के ज्यादातर बच्चे हैं, 12th वाले भी बच्चे अगर देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि अगर आप देखेंगे पिछली साल जब एग्जाम रद्द हुआ था तो साइंस के पेपर सारे खत्म हो चुके थे, तो 15-20 दिन में साइंस के जो थ्योरी होती है वो शुरू के अंदर ही खत्म हो जाती है। तो बाद के अंदर जो एक दो स्कूल कोई रह गया जिसके इलेक्शन के मारे मार्च के अंदर, जैसे इलेक्शन हो रहे हैं जिन स्टेट्स के अंदर, तो वो बाद के अंदर अपना प्रैक्टिकल करवा सकते हैं एग्जाम होने के बाद, या ड्यूरिंग द एग्जाम बीच के अंदर जैसे गैप पड़े वहां पे ऐसा सेटलमेंट करके वो प्रैक्टिकल अपना करवा सकते हैं। इसलिए 31 मई तक डेट दी है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उन डेट्स में एग्जाम तब तक शुरू ही नहीं होंगे, तो ये बिल्कुल एकदम कन्फर्म है। तो अब डेट आ गई है, अगले हफ्ते के अंदर हो सकता है 2 दिन में आ जाए, 3 दिन में आ जाए, लेकिन मैक्सिमम 1 वीक नहीं लगेगा, 2-3 दिन में वो वेट कर रहे हैं बिल्कुल, बस थोड़ा सा सेटलमेंट इधर उधर करना है और वो आपका डेट शीट आने वाली है। तो स्टे ट्यून विद गाइडिंग तेज गाइडिंग गुरु, मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, और जिस दिन आएगा उस दिन हम लोग फिर मिलेंगे, क्योंकि आज तक मेरी जो फोरकास्ट है वो बहुत कम गलत होती है, अभी तक हुई नहीं। लास्ट ईयर में बताया था एग्जाम का, मैंने डेट दी थी, मैंने ये बताया था रिजल्ट 3 तारीख को आ जाएगा, रिजल्ट 3 तारीख को आया, मैंने ये बताया था एग्जाम रद्द होंगे, मैंने पहले ही बता दिया था 2-3 दिन कैंसिल हो चुका है, कैंसिल हुए। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर कंपार्टमेंट का वो चल रहा था, केस चल रहे थे, तब सब लोग कह रहे थे कैंसिल हो जाएंगे, मैंने कहा था नहीं होंगे, और उसमें बच्चों ने मेरे को गाड़ियां भी बकी थी बहुत, और आखिर में एग्जाम नहीं कैंसिल हुए, सीबीएसई के कंपार्टमेंट हुए। तो ये जो बच्चे पिछले साल से मेरे को देख रहे हैं उनको मालूम है, आप पूछ लीजिएगा किसी से। अभी मैं आपको बता रहा हूं जो डेट्स मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता 20 के बाद किसी टाइम पे शुरू हो जाए एग्जाम, और नहीं तो 3 मई को कन्फर्म है। तो उनके चक्कर में मत पड़िए जो कंफ्यूजन बार बार डाल रहे हैं, वो बच्चों के दुश्मन है। अगर मैं ये कह रहा हूं, अगर एज ए टीचर, मैं अगर सच्चा टीचर हूं, मैं कभी अगर कैंसिल मेरे को दिख भी रहे होंगे ना, तो भी मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि उससे बच्चे हतोत्साहित होकर अपनी तैयारियां बंद कर देते हैं। कैंसिल बिल्कुल नहीं होगा अब कोई भी चीज, ना ही तो मतलब कोरोना के मारे कोई चीज होने वाली, ना स्कूल बंद होंगे, ना लॉकडाउन होगा, ना फैक्ट्रियां बंद होगी, क्योंकि इकोनॉमी पहले ही बहुत खराब हो रही है, हर चीज अस्त व्यस्त हो रही है, तो गवर्नमेंट ऐसा कोई भी स्टेप नहीं उठाएगी,
और एग्जाम टाइम पे होंगे जो मैंने आपको बताया। थैंक यू सो मच।